बंधुओं, यह विध जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, सात तत्वों पर श्रद्धान करने को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। तत्व कितने होते हैं? पहला तत्व कौन है? जीव कहाँ रहता है? अरे बोलिए ना, आप कौन हैं? जीव हैं कि अजीव हैं? देख लो। अच्छा ये बताओ, बाल काटते हो तो दर्द होता है क्या? नहीं होता है। तो जीव को तो दर्द होता है, बाल को तो दर्द हुआ ही नहीं। नाखून काटते हो तो दर्द होता है क्या? फिर नाखून को तो दर्द हुआ ही नहीं, तो तुम जीव कहाँ हुए? अरे बोलिए ना, तुम जीव कहाँ हुए फिर? हाँ जी, बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं है। बाल उखाड़ोगे तो दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आत्मा के प्रदेश हैं। जो नाखून बाहर निकल गया है उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है, उसे काटोगे तो दर्द नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर जो बाल के अंदर वाली जगह है वो जीव है। अरे बोलिए ना, ये क्या, ये हाथ क्या है? हाथ क्या है? जीव है कि अजीव है? आँख क्या है? जीव है कि अजीव है? जोर से बोलिए, जीव है। पाँव क्या है? भाई पाँव चलते हैं तो जीव हुए, हाथ काम करता है तो जीव हुआ है। आप एक बात हमेशा याद रखना, करंट अकेला रहता है या किसी चीज़ के सहारे आपके घर में आता है? किसके सहारे आता है? तार के सहारे। किसके सहारे? तार के सहारे। करंट अकेला काम नहीं करता है, तार के माध्यम से काम करता है। किससे चलता है? तार हो तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं हो तो नहीं बढ़ेगा, है ना? यानी करंट अलग चीज़ है और तार अलग चीज़ है। करंट अलग चीज़ है और तार अलग चीज़ है। अब यहाँ पर एक तार पड़ा हुआ है, अब उसमें आपको आँखों से ये नज़र आ रहा है क्या कि इसमें करंट है या नहीं है? अरे बोलिए ना, आँखों से देख सकते हो क्या? कैसे पता चलेगा कि उसमें करंट है? हैं? हाथ लगाने पर पता चलेगा, अथवा कोई पेचकस लगाते हैं तो उसमें वो लाइट जलती है तो उससे पता चलेगा कि इसमें करंट है या नहीं है। हाथ लगाओगे तो तुम गड़बड़ हो जाओगे, इसलिए किसी चीज़ से, यानी करंट आँखों से नहीं दिखता है। क्या दिखता है? तार दिखता है ना? ऐसे ही दिखती है। तो कैसे पता चलती है कि शरीर में आत्मा है या नहीं है? तो हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब काम, एक्टिविटी चल रही है। तो जो एक्टिविटी है वो आत्मा की है और जो शरीर है वो तार है। दोनों चीज अलग हैं। करंट का गुण अलग है और तार का गुण अलग है। करंट की क्वालिटी अलग है और तार की क्वालिटी अलग है। करंट का काम अलग है और तार का काम अलग है। तार का कोई काम नहीं है, जो करंट करेगा बस वो ही हो रहा है। जो करंट करेगा वो होगा, तार अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे शरीर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ करेगी आत्मा करेगी। इसमें से आत्मा निकल जाए फिर क्या होगा? आँखें देख पाएंगी, कान सुन पाएंगे, नाक सूंघ पाएगी,
मुख खा पाएगा, हार्ट चलेगा क्या, पेट में भोजन पाचन क्रिया का काम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? आत्मा निकल गई है। ऐसे ही तुम्हारे सारे घर में करंट के तार की लाइन बिछी हुई है, बस उसमें करंट नहीं है, तो एसी चलेगा क्या, कूलर चलेगा क्या, पंखा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये बात आप भूलोगे तो नहीं? जैसे तार और करंट है, ऐसे शरीर और आत्मा है ना। अब आपसे पूछा जाए, ये तार जीव है कि अजीव है? हाथ अजीव है और इसमें एक्टिविटी करने वाली आत्मा है ना। आप किसी के पैर दबाते हैं, कौन दबा रहा है? हाथ दबा रहे हैं या आत्मा दबा रही है? आत्मा दबा रही है। आप किसी को गाली दे रहे हैं, मुंह गाली दे रहा है या आत्मा गाली दे रही है? आत्मा गाली दे रही है। दिख रहा है कि हाथ किसी के पैर दबा रहे हैं, लेकिन दबाने वाली तो आत्मा है। तो कर्म का बंध किसको होगा? आत्मा को होगा। कर्म का फल कौन भोगेगा? आत्मा भोगेगी, है ना। आत्मा को तो जानना है, शरीर को तो बहुत जान लिया, एक एक नस को डॉक्टरों ने एक एक नस को जान लिया, हड्डियों को जान लिया, आँखों की नसों को जान लिया, कान की नसों को जान लिया, गले की नसों को जान लिया, पेट की एक एक नसों को जान लिया, हार्ट को जान लिया। हार्ट दूसरा लगा दें, पांव दूसरा लगा दें, हड्डियाँ दूसरी लगा दें, हैं क्या क्या, मतलब फिट कर देते हैं अंदर। करते कि नहीं करते? करते हैं ना भाई। एक हड्डी की जगह वो रॉड लगा देते हैं, हड्डी की जगह रॉड लगा देते हैं। फिर जब बहुत दिन हो जाते हैं रॉड को लगे लगे, तो पता चलता उस रॉड में जंग लग गई। अब फिर जाओ ऑपरेशन करवाओ और बदलवाओ। हाँ ऐसा होता है भाई। लोहे का धर्म तो लोहा निभाएगा ना। लोहे का काम है जंग लगना। ज़्यादा देर पानी में रहेगा और जैसे उसे वातावरण मिला, जंग लग जाती है। तो जो अंदर रॉड पड़ी होती है उसमें भी जंग लग जाती है, फिर डॉक्टर उसको बदलता है। जंग लगती है तो जो सुख दुख है उस लोहे की रॉड को महसूस नहीं होता है। जो कष्ट है, पीड़ा है, वो शरीर में होती है और उसकी पीड़ा आत्मा को होती है। अब बाहर एक लोहा पड़ा है, उसमें जंग लग जाए तो उसे दर्द होगा क्या? अरे बोलिए ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दर्द को भोगने वाली आत्मा है। यही वही लोहा शरीर में लग जाए और फिर जंग लग जाए तो दर्द आत्मा को होगा। दर्द पुद्गल को नहीं होता है, कष्ट पुद्गल को नहीं होता है। किसको होता है? आत्मा को होता है। दुख सुख किसके हैं? आत्मा के हैं। भोगने का माध्यम शरीर है। जैसे कि किसी के शरीर में हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा, जोर जोर से दर्द हो रहा और डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाया, उसके पहले उस नमो सिद्धारम हो गया। तो वो जब हार्ट में दर्द हो रहा था तो कौन छटपटा रहा था? आत्मा। अब आत्मा निकल के चली गई, अब शरीर शांत हो गया। शरीर तो वही है, हार्ट भी वही है, छटपटाने वाला चला गया। जिसको दर्द हो रहा था वो चला गया। तो माध्यम शरीर है कर्म भोगने का, कष्ट भोगने का, सुख भोगने का, दुख भोगने का, लेकिन भोगने वाली तो आत्मा है। तो किसका श्रद्धान करना है? यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की। कुर्सी वाले थोड़ी एक तरफ होके बैठ जाए, बीच में ना बैठे। आप लोग आगे सरक आए, थोड़ा और आगे सरक आओ, और आगे सरक करना है। आत्मा का श्रद्धान करना है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तुम कौन हो? अच्छा, तुम भी आत्मा हो भाई। मैंने तो बता दिया कि मैं आत्मा हूँ, तुम कौन हो? ये पीछे वाले कौन है?
आत्मा है कि पुद्गल है? अभी इन्होंने पूरा नहीं सुन पाया। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। ऐसा श्रद्धान करना, क्या करना? श्रद्धान करना, शरीर मेरा पड़ोसी है, मैं आत्मा हूं। शरीर कौन है भाई? जो जिसके पास रहता है वो पड़ोसी होता है, ऐसे ही है ना भाई? तुम्हारे घर के बाजू में जो रहता है वो कौन है? पड़ोसी है। तो आत्मा के बाजू में कौन रह रही है? शरीर रह रहा है। तो शरीर कौन हुआ? पड़ोसी हुआ ना। तो पड़ोसी पड़ोसी को कष्ट दे सकता कि नहीं? दे सकता है। और पड़ोसी पड़ोसी को सुख दे सकता कि नहीं? दे सकता है। जो जितना निकट का होगा वो उतना ज़्यादा कष्ट देता है, जो जितना दूर का होगा उतना कम देगा। बोलिए हाँ या ना। संबंध जितने निकट के होते हैं कष्ट उतना ज़्यादा होता है, और संबंध जितने दूर के होते हैं कष्ट उतना कम होता है, ऐसा है कि नहीं है भाई? यदि मान लो एक आपकी पत्नी आपको जवाब दे दे, आपको आप पर गुस्सा करे, तो आपको कितना गुस्सा आएगा? और एक माँ गुस्सा करे तो कितना गुस्सा आएगा? कम आएगा। अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना? और एक कमज़ोर व्यक्ति आप पे गुस्सा करे तो कितना फर्क पड़ेगा? और एक पहलवान आप पे गुस्सा करे तो कितना फर्क पड़ेगा? गुस्सा की क्वालिटी वही है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं, क्वालिटी बराबर है। और एक ग्राहक आप पे गुस्सा करे या आपका बॉस आप पे गुस्सा करे तो आपको कितना गुस्सा आएगा? सबके गुस्सा में अंतर पड़ेगा। एक में कहेगा अरे बॉस है इसका तो काम ही गुस्सा करने का, चल छोड़, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो करता ही रहता है, टेंशन मत ले, इसका तो काम है, और कुछ सिखाया ही तो है, गुस्सा किया है, मेरी गलती तो बताई है, अब मेरी कमी निकाली तो बुरा क्या किया इसने? इसने कोई गलत नहीं किया, चल कोई बात नहीं है, टाल दिया। पड़ोसी ने किया, जवाब दे दिया। माँ ने किया, जवाब दे दिया। और पत्नी ने किया तो झगड़ा हो गया। क्या? पत्नी ने गुस्सा किया तो झगड़ा हो गया। यानी जो जितना निकट का उतना कष्ट का कारण और उतना ही सुख का कारण, और जो जितना दूर का ना सुख ना दुख, ठीक है ना? ऐसे शरीर है, तो शरीर निकट का पड़ोसी है, सुख का कारण भी है और दुख का कारण भी है। कौन? अरे बोलिए ना, शरीर। शरीर सुख दुख का कारण नहीं है, शरीर के प्रति मोह सुख दुख का कारण है। यदि एक चेहरे पे फुंसी निकल जाए तो जो सारे दिन शक्ल देखता है ना आईने में, उसे ज़्यादा टेंशन होगी। फिर गए झांक के, फिर आईना देखाए, फिर गए, फिर थोड़े बाल सुधार आए, फिर गए, फिर थोड़ा कुछ लगा के आ गए, फिर गए, फिर थोड़ा क्रीम लगा के आ गए, यानी सारे दिन आईना में ही झांकते रहते हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, हैं? आजकल की पीढ़ी में ये ज़्यादा हो रहा है। और पहली बात, बाल खुले रहते हैं। पहले की महिलाओं के बच्चों के बाल बंधे होते थे, और माँ ने एक बार जो कस के चोटी बना दी तो कई कई बार तो दो दो दिन नहीं बनाते थे, तीन तीन दिन बाल नहीं खोलते थे। एक बार जो चोटी बन गई तो तीन दिन चल जाती थी, सात दिन भी चल जाती थी। और अब वो खुले बाल होते हैं तो दिन भर बालों पे हाथ जाता है, सारे दिन बाली बाल झूमते रहते हैं, है ना? तो जो पड़ोसी है, ये पड़ोसी कष्ट का कारण नहीं है। चेहरे पर फुंसी निकल गई, उसमें दर्द नहीं हो रहा है, बस वो निकल गई। अब वो कष्ट का कारण है या नहीं है, बताइए? जिसे अपनी शक्ल से अपनी सुंदरता से मोह है उसके लिए कष्ट का कारण है। और जिसे इस पर ठीक है, निकल गई या हुई है, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं है, मोह है तो दुख है, और मोह नहीं है तो दुख भी नहीं है। फुंसी दुख का कारण नहीं है क्या? मोह दुख का कारण है। अब बाल झड़ रहे हैं और अभी बेटे की शादी हुई नहीं, क्या
बाल झड़ रहे हैं और अभी बेटे की शादी हुई नहीं, अब घर में उन बालों की टेंशन किन किन को होगी? हैं, माँ को भी होगी, उसके पिताजी को भी होगी, उसकी बहन को भी होगी, और जो रिश्तेदार चाहते हैं उसे भी होगी, और जो मित्र हैं उसके उसे भी होगी, सच्चे मित्र हैं उसे भी होगी, और जो वो खुद है उसको तो बैठेगा बाल झड़ रहे, उठेगा तो बाल झड़ रहे, मोबाइल में सर्च करेगा बाल झड़ना कैसे रोके, बाल दोबारा कैसे उगाएं, हैं, बोलिए हाँ या ना। 24 घंटे क्या चलेगा? वो ही चलेगा, बाल ही बाल दिखेंगे सामने वाले के। पहले जब छोटे थे ना तुम्हें सामने वाले के बाल नज़र नहीं आते थे, अब तुम्हें सामने वाले का चेहरा नहीं नज़र नहीं आता, अब केवल तुम्हें सामने वाले के बाल ही बाल नज़र आते हैं। दिन भर दिमाग में बाल ही बाल चल रहे हैं, इसका मतलब ये है। और एक मुनिराज हैं, बाल तो हैं उखाड़ के फेंक देते हैं, क्या केश लॉन्च किया और उखाड़ के फेंक दिए। बाल तो सबके एक से हैं ना, चाहे मुनिराज के बाल हों और चाहे उस लड़के के बाल हों, बाल तो दोनों के एक ही है ना, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। एक ने उखाड़ के फेंक दिया और एक बालों के लिए टेंशन कर रहा है। बोलिए, टेंशन बाल दे रहे हैं या मोह दे रहा है? मोह दे रहा है। बालों से मोह है तो बालों की विपरीत परिस्थिति दुख का कारण और उसके अनुकूल परिस्थिति सुख का कारण। और बाल यदि बालों से मैं मोह नहीं है तो ना दुख ना सुख। भाई ठीक है, सिर से दिमाग से काम लेना, बाल क्यों है? बाल तो इस सिर की रक्षा के लिए होते हैं। और पुरुषों का जो एक उनके हिसाब से झड़ना होता है तो उनकी जो दिमाग होता, दिमाग से काम करते हैं। किससे काम करते हैं? अरे बोलिए ना, अब दिमाग से ज्यादा काम ले लेते हैं तो बाल बिचारे झड़ जाते हैं, बाल बिचारे झड़ जाते हैं। तो एक बालों से इतना प्रेम है कि एक लड़का लड़की देखने गया तो कह के नहीं गया, उसको बता के नहीं गया, बस चुपचाप लड़की देखने गया, जैसे पवनंजय अंजना को देखने गया था। अब वो लड़की देखने गया तो वो अपने ओरिजिनल रूप में थी, यानी ना तो श्रृंगार था, ना ब्यूटी पार्लर के बाल थे, ना शैम्पू के बाल थे, तेल लगा के बैठी थी। थोड़ा सा बढ़ाना भाई। तेल लगा के बैठी थी और सर्दी के दिन थे तो घर के बाहर बैठी थी। अब लड़की देखी, अरे इस लड़की से मैं शादी करूँगा, इसके तो सिर पे बाल ही नहीं है, इतने कम बाल हैं इसके सिर पे, मुझे नहीं करना शादी। बोले निर्णय सही है या गलत है? इंसान की पहचान क्या बालों से होती है? नहीं? एक व्यक्ति बोला, बोले इससे मैंने जो शादी करी है ना, इसके लंबे लंबे बाल देख के ही करी है। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ, इसके लंबे बाल देखकर मैंने इससे शादी करी है। यानी आकर्षण देखो आप, आपके संपूर्ण जीवन का निर्णय एक बालों पे टिका होता है, जबकि ये बालों से तुम्हें बातचीत नहीं करनी, ये बाल तुम्हें भोजन नहीं कराएंगे, ये बाल तुम्हें सुख नहीं देंगे, बाल कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद भी बालों के प्रति इतना आकर्षण है कि बालों के कारण पूरे जीवन का निर्णय हो गया, इसके बाल बहुत सुंदर है, शादी तो इसी से करूंगा। इसलिए आजकल की लड़कियां क्या हुआ, मैंने कुछ कहा? कुछ कहा मैंने? कुछ कहा ही नहीं है। आजकल वो जरा जरा सी 5-5, 7-7 साल की लड़कियां, 8-8 साल की लड़कियां बाल ऐसे बना के आती हैं जैसे बड़ों के बाल होते हैं। और कई बार तो उनकी मम्मियां शिकायत करती हैं आकर के, बोले माता जी ये मेरे से छोटी नहीं बनवाती है,
नहीं बनवाना मुझे, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। तुमने ऐसी बना दी, तुमने टेढ़ी बना दी, तुमने ये बाल छोड़ दिए, तुमने वो कर दिया, मेरे हिसाब से नहीं। और पहले तो 8वीं 9वीं पढ़ते थे तब तक भी चोटी बनानी नहीं आती थी, तब तक भी कंघा लेके घूमते थे, हमारी चोटी बना दो, हमारी चोटी बना दो। बोलिए हाँ या ना। अब दिमाग इन बालों में ज़्यादा लग गया है और बाल बच्चों में कम लग रहा है, इसलिए बाल बच्चे संस्कारित नहीं हो पा रहे हैं। वो बाल का ही संस्कार होता रहता है पूरे दिन, बाल संस्कार। कौन से संस्कार? बच्चा जो है बचपन से बाल संस्कार में लग जाता है, इसलिए और संस्कार रह जाते हैं। बंधे रहते थे बाल तो पहले की लड़कियां घर में बंधी रहती थी, बात मानती थी, हैं, मर्यादा में चलती थी, इधर उधर की गलत काम नहीं करती थी। कि कब? जब बाल बंधे होते थे। और अब बाल खुले हैं, वो खुली है, वो किसी की बात मानने तैयार नहीं है, ना माँ की मानने तैयार है, ना पिता की मानने तैयार है, ना पति की मानने तैयार है, वो किसी की बात मानने तैयार नहीं, वो खुली रहना चाहती है। और जो जितना ज्यादा खुला रहेगा उतना असुरक्षित रहेगा, क्योंकि स्वयं की रक्षा तुम स्वयं नहीं कर पाते हो, तुम्हें तुम्हारी रक्षा करने के लिए परिवार चाहिए, घर वाले चाहिए। और तुम घर वालों के संरक्षण में नहीं रहोगी, कहीं भी लुट जाओगी, कहीं भी पिट जाओगी। इसीलिए समूह में रहना, अलग मत रहना, अकेले मत रहना, अकेले मत घूमना, घर वालों के संरक्षण में रहना। यदि आप बाहर पढ़ने जाती हो तो अपने जाति वालों के साथ, यदि लड़की हो तो लड़कियों के साथ रहो, अकेले मत घूमो। लड़के हो लड़कों के साथ में रहो, अकेले मत घूमो। अकेले रहोगे मन भटकेगा, विचार खराब होंगे और कहीं ना कहीं भविष्य तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो बाल बांध के रखो। कैसे रखो? अरे बोलिए ना, बांध के रखो। अब तो बाल इतने खुल गए हैं, इतने खुल गए, जिसे देखो वो खोल के घूम रहा है। कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले बाल खोलने की तैयारी होती है। शादी आए तो सबसे पहले क्या कटते हैं? अरे बोलिए ना, दुल्हन का क्या होगा श्रृंगार, ये तो बात की बात है। जिसको शादी में जाना उसके बाल जरूर कट जाते हैं। शादी तो है दुल्हन की और बाल इनके कट रहे हैं, हैं? यानी केवल दिखावा रह गया है, केवल दिखावा रह गया है, केवल दिखावा। ऊपर से नीचे तक बाहर का दिखावा, अंदर की क्वालिटी बनाने की भाव नहीं है। केवल बाहर में किस तरह सुंदर दिखें, इस बात के प्रति सावधान है। अंदर किस तरह से सुंदर बने, इस बात के प्रति सावधान नहीं है। उस बात को तो मानने तैयार नहीं है, समझने तैयार नहीं है, मंदिर जाने तैयार नहीं है, प्रवचन सुनने तैयार नहीं है, स्वाध्याय करने तैयार नहीं है, सामने वाले का सम्मान करने तैयार नहीं है, सामने वाले की सेवा करने तैयार नहीं है। बस दिखावा, बस दिखावा, केवल बाहर का दिखावा। और बाहर के दिखावे से कभी सुख मिलने वाला नहीं है। ये शरीर क्या है? पड़ोसी है। क्या है? अरे बोलिए ना, बैठ जाओ दो मिनट। ये कौन उठा के ले जा रहा है? चाय पीना है। ये पड़ोसी उठा के ले जा रहा है, चाय पीना है, हैं? हाँ, ये शरीर क्या है? पड़ोसी है। अच्छा, तुम सो के उठ के, तुम लोग सो के उठ के झाड़ू कहाँ लगाते हो? अपने घर में या पड़ोसी के घर में? जोर से बोलिए ना, अपने घर में। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, सो के उठ के तुम सबसे पहले किसकी सफाई करते हो, आत्मा की या शरीर की? पहले आपने नमोकार मंत्र पढ़ा, पहले आपने सामायिक करी, पहले आपने जाप करी, या सो के उठ के लेके ब्रश तैयार शुरू स्टार्ट, फिर थोड़ा
मुंह धुल गया, अब जरा चाय वाय ले आओ। अब चाय हो गई, चलो अब थोड़ा शरीर को नहला लेते हैं। अब शरीर ने नहा लिया, चलो अब जरा अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं। अब कपड़े पहन लिए, अब चलो अब आईने के सामने चलते हैं, थोड़े बाल बना लेते हैं। बोलिए, किसका काम कर रहे हो, पड़ोसी का या अपना? तुम कौन हो, आत्मा या शरीर? अरे बोलिए ना, आत्मा। और सेवा किसकी चल रही है, जोर से बोलिए, पड़ोसी की। अब आईने के सामने जब जाओ और जब बाल बनाओ तो कहना, मैं पड़ोसी के बाल बना रहा हूँ। हाँ, ये चोट मारनी पड़ेगी, यदि ये चोट नहीं मारोगे, इसको बार बार याद नहीं करोगे, इसका रिवीजन नहीं करोगे, इसे रिपीट नहीं करोगे, तो तुम ये कभी याद नहीं कर पाओगे कि मैं जीव हूँ और शरीर अजीव है। और जब तक ये बात याद नहीं रहेगी, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमारा सच्चा सुख का रास्ता प्रारंभ नहीं होता है। जब भूख लगे तो क्या कहना, पड़ोसी को खाना खिलाने ले जा रहा हूँ, पड़ोसी को भूख लग रही है। किसको भूख लग रही है, पड़ोसी को भूख लग रही है। सिर दुखे तो क्या कहना, पड़ोसी के सिर में दर्द हो रहा, करके देखो तो सही। आप जब सामायिक में बैठो तो भी आत्मा को याद करो, भोजन करने बैठो तो आत्मा को याद करो, तब कहीं जाकर बार बार चोट मारोगे। एक जन्म में भी ये पत्थर टूट जाए, जीव अलग है और अजीव अलग है, ये याद आने लगे तो भी बहुत बड़ी बात समझना। एक जन्म में अनंत काल के संस्कार हैं, अभी भी हम इसी शरीर में लगे हुए हैं, है ना। चलो भाई पड़ोसी है, इसे बना के तो रखनी पड़ती है, बिगाड़ के तो नहीं रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि चल पड़ोसी है तो मैं थोड़ी हूँ, ये तो पड़ोसी है तो बना के तो रखनी पड़ती है, पड़ोसी भी तो काम आता है। भाई तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हारा रिश्तेदार बाद में आएगा, तुम्हारा दोस्त बाद में आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, पड़ोसी आएगा। सबसे पहले काम आने वाला कौन है, पड़ोसी है, तो बना के तो रखनी पड़ेगी, इसे हम बिगाड़ तो सकते नहीं हैं। चलो ठीक है, बिगाड़ नहीं सकते, इसे इसके इसे टाइम पे खाना खिलाओ, हैं। अब संसार में रहते हो तो चलो भाई इसको थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कि भाई बुरा ना लगे, थोड़ी बहुत बिंदी लगा लो, टिक्की लगा लो, थोड़ी सी चूड़ी पहन लो, जो तुम्हारे गृहस्थी के हिसाब से है, जो जरूरी है वो कर लो, ठीक है। चोटी बांध लो, आज से चोटी बांधोगे कि नहीं, कौन कौन चोटी बनाएगा हाथ उठाओ, बच्चे लड़कियां हाथ उठाएंगी कि हम चोटी बना के रखेंगे। जितने आप बाल को उड़ाओगे उतने झड़ जाएंगे, और जितना बांध के रखोगे ये बुढ़ापे तक साथ निभाएंगे। जिन जिन ने इन बालों को उड़ाया है उनके बाल की हालत देख लेना, उड़ गए उनके बाल, जिनने उड़ाया उनके उड़ गए, जिनने बांधा उनके बचे हुए हैं, बंधे हैं वो भी, है ना। तो पड़ोसी है तो इस पड़ोसी की इतनी तो कदर करनी पड़ेगी कि इसे बीमारी हो जाए तो दवाई खिलाओ, क्योंकि इस पड़ोसी के बिना हम धर्म भी नहीं कर सकते हैं। अब आपको मंदिर जाना है तो अपने पड़ोसी पड़ोसन से कहती ना, चल मंदिर चल रही कि दोनों साथ चलते हैं, कहते कि नहीं कहते, है। कई बार व्रत करना होता, चल तू भी व्रत कर ले तो मैं भी साथ में कर लेती हूँ, दोनों एक साथ पूजा कर लेंगे, एक साथ अपना काम हो जाएगा। चलो तीर्थ यात्रा पे चल रहे क्या तुम लोग, चलो तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, किसके साथ, पड़ोसी के साथ। ऐसे ये पड़ोसी है, इस पड़ोसी के बिना आत्मा तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएगी, माला नहीं फेर पाएगी, उपवास नहीं कर पाएगी, स्वाध्याय नहीं कर पाएगी, किसी की सेवा नहीं कर पाएगी। इसलिए इसका थोड़ी बहुत सेवा तो जरूरी है, लेकिन इसकी ही सेवा में लगे रहो। अरे बोलिए ना, ये बात मामला थोड़ा सही नहीं है। तो इसीलिए जो है शरीर को शरीर मानना और आत्मा को आत्मा मानना, सो समकित व्यवहारी।
यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की, श्रद्धा ऐसा श्रद्धान करना कि मैं आत्मा हूँ और शरीर अजीव है। जब शरीर को अजीव मान लिया तो बाहर की वस्तुओं को तो अजीव अपने आप ही नजर आने लगेंगी, है ना। फिर जिसकी जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से उसकी कीमत होती है। भाई मेरा है तो मेरे हिसाब से मेरी कीमत है, और तुम्हारा है तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी कीमत है। जब मेरा शरीर है ही नहीं है तो ठीक है, साथ रहना है, रिश्ता बनाए रखना है, बिगाड़ना नहीं है तो उतना व्यवहार करेंगे, और जब यदि हमें इससे रिश्ता नहीं बनाना है तो फिर उस हिसाब से व्यवहार करेंगे। तो जीव जीव है, अजीव अजीव है, ऐसा श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है। क्या है ये? सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब देखना, श्रद्धान करना। आँखों से देखना ही देखना नहीं होता है, तत्व के प्रति ऐसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है, यथार्थ श्रद्धान कहलाता है। अभी कैसा देख रहे हो? शरीर को ही आत्मा मान रहे हो। क्या मान रहे हो? शरीर को ही आत्मा मान रहे हो। देख तो रहे हो लेकिन सही नहीं दिख रहा है, तो सही देखना। जीव को जीव और अजीव को अजीव, और आश्रव बंध संवर निर्जरा, इन तत्वों को जानना, इन पर श्रद्धान करना और मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए भाव बनाना, इसको कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन। अच्छा, श्रद्धान करने में दीक्षा लेने की जरूरत तो नहीं है? अरे बोलिए ना, श्रद्धान ही तो करना है। अभी त्याग करने की बात थोड़ी कह रही हूँ, अभी घर छोड़ने की बात थोड़ी कह रही हूँ, अभी उपवास करने की बात थोड़ी कह रही हूँ, श्रद्धान करने की बात ही तो कह रही हूँ ना। और मैं कौन सा कह रही हूँ? भगवान महावीर कह रहे हैं। और भगवान महावीर ने जो कहा, पंडित दौलत राम जी ने, आचार्यों ने उसे शास्त्रों में लिखा, और आचार्यों को दौलत राम जी ने पढ़ा, उन्होंने छैढाला में लिख दिया, और छैढाला में लिखा है मैंने आपको बता दिया। ऐसा श्रद्धान करना, दृढ़ श्रद्धान करना। यदि किसी की मृत्यु होती है तो ये श्रद्धान करना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मरता कोई नहीं है, शरीर और आत्मा अलग अलग हुए हैं। कौन मरा है? शरीर मर नहीं सकता है, वो तो मरा मराया है, और आत्मा मरती नहीं है। ऐसा श्रद्धान करना, यदि ऐसा श्रद्धान है तो किसी के मरने पर कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, और तुम्हारा धर्म में मन लगेगा। इस संसार की क्षण भंगुरता देख करके धर्म में मन स्थिर हो जाएगा, और नहीं तो रोते रहो सारी जिंदगी, ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया, कभी इसके लिए रो, कभी उसके लिए रो, कभी उसके, रोते रहो सारी जिंदगी, करते रहो मोह। मोह कहता है शरीर और आत्मा एक, और सम्यक दर्शन कहता है शरीर और आत्मा अलग, शरीर और आत्मा अलग। देखना ही तो है, कुछ करना थोड़ी है, श्रद्धान ही तो करना है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान बना लो। अब कैसे प्राप्त होता है वो मैं आपको कल बताऊंगी। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है वो मैं आपको, बोलिए ना, कल बताऊंगी। कुछ मिला आपको? आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? क्या बात है, आज तो बिल्कुल सही उत्तर मिल गया। आपका नाम क्या है? आप, वाह क्या बात है, आप भी टीवी में रोज देखते हैं, है ना। हाँ चलिए, मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और हमारी अपनी आत्मा। माइक में बोलो पंडित जी, मोबाइल छोड़ दो, प्रवचन खत्म हो गए। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और मोबाइल को ज्यादा नहीं चलाने का, बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और प्रवचन को ध्यान से सुनने का, बड़ा ही महत्व है।
सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गुजा का और भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का बड़ा ही महत्व है। अब बताओ कहाँ कहाँ से आए हो? बुलंदशहर। पानी में नहर का, पानी में नहर का, नहीं ढाने में कहर का और आने वालों में बुलंद शहर का। वासिम, मोबाइल में, बोलिए, मोबाइल में सिम का और बच्चों के लिए जिम का और आने वालों में वासिम का। आप लोग कहाँ से आए? दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? अच्छा, सारे दमोह वाले हैं क्या? अहमदाबाद, गुजरात। अच्छा, किसका बताऊँ, अहमदाबाद का या गुजरात का? अहमदाबाद का। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, पानी भरने में नली का और बच्चों के लिए प्रतिभा स्थली का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, खिड़की में जाल का, शहरों में ताल का, शरीर में भाल का, जन्म समय नाल का, नहीं आने में काल का और प्रेम नहीं करने में बाल का बड़ा ही महत्व है। बांधने में बाल का बड़ा ही